लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म है ना बच्चा लोग, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हुआ था। चलिए देखो आज कंप्लीट करते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला पूरा टर्म्स। एसएन वन हो चुका है, तो एसएन वन में क्या क्या याद रखना था बच्चा लोग बताओ। काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड सिर्फ डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, रेट। थर्ड इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है ना बेटा। तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, पहले स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा एंड सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है बेटा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो स्टेटमेंट ही याद रखना बच्चा, ठीक है ना, बोर्ड में भी यही काम आएगा स्टेटमेंट। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो पहला काइनेटिक्स क्या होगा बेटा, केमिकल काइनेटिक्स इज सेकेंड ऑर्डर। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, इस पे दिमाग ना चलाओ अभी, बस टू है तो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना बेटा, एक ही स्टेप में रिएक्शन। अच्छा एसएन वन में एक और चीज ऐड करो बेटा, रेसेमिक मिक्सर फॉर्म होता है, एसएन वन नोट पर रेसेमिक मिक्सर फॉर्म इफ रिएक्टेंट इज काइरल और ऑप्टिकल एक्टिव। रेसेमिक में ये लाइन ऐड कर लेना कहीं पर, रेसेमिक मिक्सर बनता है। केमिकल काइनेटिक्स इज सेकेंड ऑर्डर, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब याद रखने बच्चा, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू के इनटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वन अपॉन रिएजेंट, सॉरी इनटू रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वन, ठीक है बच्चा लो। फोर्थ इनवर्जन, इनवर्जन मतलब क्या समझते बेटा, सर इनवर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉम्प्लिकेशन फॉर्म्ड वेर कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव और काइरल। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है बच्चा, कभी ना कभी ये डेली लाइफ में वर्ड यूज होगा इन्वर्जन, किस रेस्पेक्ट में यूज होता है बेटा इन्वर्जन, बोलो। इन्वर्जन का मतलब नहीं समझते जी, बच्चा बेटा इन्वर्जन का मतलब कुछ रहे नहीं मालूम है, बेटा अपोजिट होगा यहाँ पे इन्वर्जन का मतलब, उल्टा रेसिप्रोकल समझ लो। क्या हो भाई, छोटा सा टर्म्स नहीं मालूम, ऑर्डर नोट कहा जा रहा, ऑर्डर याद नहीं रख रहे हो, टर्म्स समझ नहीं रहे हो, तो क्या पढ़ोगे तुम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रखना है SN2 में, ऑर्डर क्या है सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड पॉइंट सिंगल स्टेप रिएक्शन है, थर्ड पॉइंट रिएक्शन का रेट, रिएक्टेंट टू द पावर वन, रिएजेंट टू द पावर वन, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन मतलब इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन फॉर्म व्हेन कंपाउंड इज काइरल और ऑप्टिकल एक्टिव,
तो इस तरह का रिएक्शन है। बेटा पहले ये बता, बोर्ड क्लियर है सबको? आवाज आ रही है हमारे? यस सर। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से सीएल बाहर निकल गया बेटा। अब देखने के लिए तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है सर, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया है, सीएल को बाहर कर दिया है, ऐसा हुआ रिएक्शन। बट ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म देखो इसका। तो हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा रिएजेंट है। तो रिएक्टेंट क्या बेटा? इथाइल कार्बन, मिथाइल लगा हुआ MeH लगा है Cl। ये है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब जो रिएक्शन से लिव होगा, बाहर होगा। नेम के पीछे का लॉजिक समझो, लिविंग ग्रुप मतलब जो रिएक्शन से बाहर होगा। तो अब बेटा कोई गेट के पास खड़ा है, घर है, घर पे गेट है, गेट के पास कोई बंदा खड़ा है, तो उसको बाहर निकालना है, तो कैसे बाहर निकालोगे? घर के बाहर जाके उस बंदे को अंदर ढकेलोगे या इसको पीछे से ढकेलोगे बेटा? पीछे से ढकेलेंगे। इतना तो कॉमन सेंस है ना, कई लोगों को वो भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पे बंदा है, इधर घर है बेटा, तो उसको बाहर भेजना है, तो इसके पीछे में एक लात मारोगे बेटा फेंका के बाहर। तो यहाँ पे भी सेम यही होता है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के पीछे में अटैक करता है, बैक साइड में। क्यों अटैक करता है? क्योंकि इसके पीछे होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जस्ट इसके पीछे होगा। और मालूम है ना, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रहता तो स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग में आ जाता है तो स्टेबिलिटी डाउन होता है। मॉलिक ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ऑफ लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप बाहर हो रहा है उसके। तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे में जाएगा, अटैक करेगा, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर। क्या मिलेगा यहाँ पे? इथाइल, मिथाइल, एच और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये आर फॉर्म है, सपोज ये अगर आर फॉर्म है, तो ये कौन सा फॉर्म मिलेगा बेटा? एस फॉर्म। अगर ये एस फॉर्म है, तो ये मिलेगा आर फॉर्म। तो यही है फोर्थ पॉइंट, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन फॉर्मड व्हेन कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। तो देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव है ना, ये कार्बन है कि नहीं? ऑप्टिकल एक्टिव, कार्बन की चार वैलेंसी अलग है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है। और ऑप्टिकल एक्टिव है तो आर एस में से कोई एक होगा, तो ये आर फॉर्म है तो ये एस फॉर्म बनेगा, अगर एस है तो आर। तो वही लिखा है यहाँ पे, नोट करवाया गया, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। अब पीछे क्यों होता है इन्वर्जन? क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के पीछे में अटैक करता है, ठीक है ना? तो इसी पूरे फिनोमेना को बोला जाता है वाल्डेन इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? वाल्डेन इन्वर्जन, वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, कहां अटैक करता बेटा? कहां अटैक करता है? बैक साइड ऑफ लिविंग, हाँ बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप मतलब एंटी बॉन्डिंग। बैक साइड के लिए टर्म यूज क्या करोगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बैक में लिखो बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिविंग ग्रुप, हेंस कॉन्फिगरेशन ऑफ कंपाउंड चेंज एंड दिस चेंज इज कॉल्ड वाल्डेन इन्वर्जन। तो वाल्डेन इन्वर्जन के लिए कंपाउंड शुड बी कायरल और ऑप्टिकल एक्टिव।
ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं SN2। SN1 में क्या होता था, पहले लिविंग ग्रुप सेपरेट होता था और ये इसका रेट डेटा माइनिंग स्टेप है, इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट टू द पावर 1 कंसंट्रेशन टू द पावर 1 तो सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो मैकेनिज्म क्लियर है बच्चा, तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है, तो क्या क्या पॉइंट नोट कर गए, केमिकल काइनेटिक्स सेकेंड ऑर्डर है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, और क्या बोलोगे वहां पे बच्चा लोग, इन्वर्जन मिलता है कॉन्फिग्रेशन में, क्यों मिलता है, इसका रीजन यहाँ पे है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड मतलब एंटीबॉन्डिंग में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, और कब मिलेगा, जब ऑप्टिकल एक्टिव हो या फिर काइरल हो, तो इस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है वाल्डेन इन्वर्जन, इन्होंने बताया, तो इनके हिसाब से मतलब इनके नेम के अकॉर्डिंग वाल्डेन इन्वर्जन, तो इस चीज को याद रखना बच्चा लोग, SN2 में मिलता है, और ये जो है यहाँ पे अटैक किया ये बाहर, तो यहाँ पे बोल सकते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशनल स्टेट भी बनता है यहाँ पे, तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चा लोग, सेकेंड पॉइंट नोट कर सकते हैं, वेयर पेंटावेलेंट, जैसे इंटरमीडिएट होता है ना वैसे ट्रांजिशनल स्टेट कुछ देख ले बनता है, ट्रांजिशनल स्टेट आर फॉर्म एंड इट्स स्ट्रक्चर, तो बेटा समझना कम याद ज्यादा रखना यहां से आपको इस टॉपिक में, स्ट्रक्चर इज टीबीपी, टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, तो देखो कैसे बनेगा, पेंटावेलेंट ट्रांजिशनल स्टेट मिथाइल एच, यहां से लिविंग ग्रुप सीएल बाहर हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है बच्चा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और सीएल क्या हो रहा है बाहर, तो देखो यहाँ पे पेंटावेलेंट ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना बच्चा लोग, तो इसे को बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल पेंटावेलेंट बनता है, कार्बन के वैलेंसी कितना है यहाँ पे 5, तो ये स्टेटमेंट में यूज होता है बच्चा लोग, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी दिख रही है 5, तो इसको बोलते हम लोग ट्रांजिशनल स्टेट, इसलिए यहाँ से एक सीएल क्या हो जाएगा बाहर, न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल पास आता जाएगा सीएल दूर होता जाएगा और फाइनली ये मिल जाएगा, तो क्लियर है, मैंने आर अपने मन से एज्यूम किया है, आर हुआ तो एस बनेगा, अगर तुम एस एज्यूम करते रिएक्टेंट में तो बनता आर फॉर्म, तो ये था SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, बोर्ड में दोनों आता है SN1 SN2 दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, सब जल्दी बताओ डिफरेंस दोनों के बीच, कॉपी को ही देख के ही बताओ क्या है दोनों के बीच डिफरेंस, काइनेटिक्स SN1 में फर्स्ट SN2 में सेकेंड SN2 SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म है, SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, रेट सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है SN1 में, SN2 में रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे, उसमें रेसिमिक मिक्सर बनता है और यहाँ पे क्या बनता है बेटा, इन्वर्जन होता है कॉन्फिग्रेशन में, ये 4 पॉइंट नोट करोगे तो तुमको 2 मार्क्स मिल जाएगा, डिफरेंस राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 हेलोल्केस हेरोएलिन चैप्टर में मिलेगा, नोट डाउन कर लो जल्दी, तो जितने भी मैकेनिज्म है उनको याद रखना है बेटा अभी इनिशियली, ठीक है ना, समझने वाला काम कम है, जहां पे समझाने वाला चीज हम बता दिए, क्यों बैक साइड में अटैक होता है, क्यों इन्वर्जन मिलता है, तो बेटा किसी को बाहर भेजना है तो उसके पीछे ही में लात मारना पड़ेगा, तो एंटी बॉन्डिंग होता है बैक साइड में लिविंग ग्रुप के, ठीक है, कि भूल जाओगे, बोलो, याद रहेगा ना बच्चा, यस, चलो बढ़िया है,
छाप लिए बच्चा लोग? बेटा छाप लिए सब कोई? यस सर। नेक्स्ट कौन सा था बेटा? बेटा कौन सा नोट करवाए थे मैकेनिज्म में, बताओ ना, हेडिंग एस एन आर था या एस ई ए आर था? एस एन ए आर। एस एन था या एस ई था? SN. SN, ठीक है, चलो थर्ड। तो इसका मतलब क्या है, कोई इसका फुल फॉर्म बता सकता है क्या बेटा? S for substitution, N for nucleophile, AR for aromatic। पूरे को मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चा? Aromatic nucleophilic, एक मिनट, यहां से न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नहीं बोलते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, शॉर्ट में से बोलते हैं SNR। तो मुझे ये बताओ, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? बहुत पहले बता चुके हम, रेजोनेंस में एप्लीकेशन बताए थे, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है? जल्दी बोलो, मुंह खोलो, बताओ क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताया पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन किसके और किसके बीच होता है? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो मोस्टली जितने भी रिएक्शन तुम पढ़ोगे वहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल खोजना है तुमको और एक न्यूक्लियोफाइल, और दोनों बिछड़े को मिला देना है और दोनों मिलके प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है ना बेटा? तो बेंजीन है न्यूक्लियोफाइल, टॉपिक का हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया जा सकता है? न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ होता है। तो रिंग खुद में न्यूक्लियोफाइल है और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाया जा रहा है, तो पॉसिबल है क्या बच्चा? पॉसिबल है, बताओ। देखो पॉसिबल तो होगा तभी तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर डायरेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है इसका। इस हेडिंग का मतलब हुआ जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेंजीन से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं, बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड। Aromatic compounds are good nucleophiles, and you can let the minus, ठीक है ना? Hence, any nucleophile does not react directly on with benzene ring। तो बेटा अब हो नहीं रहा है, लेकिन टॉपिक हमने लिख के रखे तो मतलब इस टाइप का रिएक्शन होगा ना, तो डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्टली कैसे कह जा सकता है बेटा इसको? इनडायरेक्टली मतलब बेंजीन के साथ न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल खुद में है, एक अलग से न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नो रिएक्शन, वहां पे रिएक्शन नहीं होगा जी। क्लियर है? तो अब रिएक्शन करवाना है हमको, टॉपिक तो बना हुआ है बेटा, मतलब इस टाइप का रिएक्शन होता होगा, कोई ने प्रूफ दिया होगा, तो रिएक्शन कब होगा सोचो जरा। न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होता नहीं है, तो बेंजीन को बनाना है इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन का बनाना है क्या इलेक्ट्रोफाइल,
या मैं कह सकता हूँ बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम करना है। हमारी बातों पे ध्यान दे रहे हो ना बेटा, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नौटंकी कर रहा है तो उसके नौटंकी को करना है खत्म, तो क्या करते हैं जिस कारण वो न्यूक्लियोफाइल है उसको ही कम कर दे, तो कैसे कम कर सकते हैं? क्यों न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो कम करोगे ना। न्यूक्लियोफाइल क्यों है बेंजीन बताओ, व्हाई बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल या एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बताया है बेटा। ये सब रिटर्न में करवाते हैं हम बार बार क्लास में, लेकिन तुम लोग इन चीजों को छोटे छोटे चीजों को अगर नहीं लेके चलोगे ना बेटा बहुत तकलीफ होगा ऑर्गेनिक में। पेज पलटाओ, रेजोनेंस वाला चैप्टर, वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, वहां पे जाके देखो बताया गया व्हाई बेंजीन रिंग रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल या एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वहां जाके पेज पलटा के देख के आओ, सामने ही होगा कॉपी, पेज पलटाओ वहां पे दिखेगा तुमको। इतना एक्यूरेसी, इतना रटा होना चाहिए तुमको, पता होना चाहिए कौन से पेज में क्या चीज पढ़ाया गया है। देखो वहां पे रीजन दिया गया है व्हाई बेंजीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल क्यों है। हर बार हम बताने लग गए तो फिर दिमाग ही नहीं काम करेगा तुम्हारा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं वहां पे वो चीज। आज फिर बताएंगे, कल फिर भूलोगे तुम लोग। तो बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो नौटंकी कर रहा है बेंजीन, इस नौटंकी को करना है हमको शांत। तो जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल है, क्या मैं उसी प्रॉपर्टीज को हटा दूं तो बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम नहीं होगा? जिसके दम पे बेंजीन कूद रहा था उसी को हम हटा दें तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल रहेगा क्या? नो सर, नो सर। हाँ, तो बेंजीन किसके दम पे कूद रहा था बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो उसकी डेंसिटी को मैं खींच लूं तो उसमें कौन सा ग्रुप ऐड करना पड़ेगा? उसमें कौन सा ग्रुप ऐड करना पड़ेगा बेटा, जो उस डेंसिटी को कम कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को कम कर दे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दो ही तो ग्रुप है बेटा इलेक्ट्रॉन को खींचने और देने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, एक विड्रॉइंग। तो मतलब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहां पे रिएक्शन पॉसिबल होगा, रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक है ना। इफ रिंग कंटेन, इफ रिंग कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब SNR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन इज पॉसिबल। समझ में आया बच्चा लोग? तो थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछेगा रिएक्टिविटी ऑफ SNR, रिएक्टिविटी ऑफ SNAR। तो क्या कंक्लूजन बना बेटा, SNR का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? सेकेंड पॉइंट से कंक्लूजन बना बेटा, सोचो जरा, मिलाओ कंक्लूजन खोजो। नोटंकी कर रहा था रिंग, तो उसमें लगा दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसका नोटंकी हो गया आसान। वैसे उसी नोटंकी को समझ के बताओ रिएक्टिविटी ऑफ SNR बेंजीन रिंग में कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा? हाँ बोलो। अरे गलत होगा तो गलत होगा भाई, बोलोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुम गलत बोल रहे हो, और बताओ तुम सही बोल रहे हो बिल्कुल। क्या बोल रहे थे बच्चे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये पहले बताओ। होना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट पर्सनालिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आर मतलब माइनस है, इनवर्सिव पर्सनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
मतलब प्लस आर प्लस एम, बस हो गया बेटा। इससे क्वेश्चन बनता है, ऑर्डर पूछता है एस एन ए आर का, इससे क्या पूछेगा बेटा ऑर्डर। देखो बेंजीन है सीएल, न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पर्टिकुलर का, ये बाहर होगा। अब यहाँ पे देखो, अच्छा मैकेनिज्म पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देते हैं। रिएक्शन में मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान देना बेटा, पहले रिएक्शन सिंपल सा देख लेते हैं। Cl यहाँ पे लगा लेते हैं NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये Cl क्या हो जाएगा बाहर, मिलेगा क्या बेटा NO2 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहाँ पर Cl बाहर है घूम रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन है, तो इसका मैकेनिज्म देखो, इस ग्रुप को थोड़ा सा फास्ट होने का कॉन्जुगेशन बनाना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो होता क्या, फुटबॉल खेलो बच्चा लोग, अगर ये फुटबॉल है ठीक है ना, यहाँ पे कोई बंदा है उसको एकदम दूर भेजना है फुटबॉल को, तो क्या करेगा, किक मारेगा, एकदम खड़े होके किक मारेगा या पीछे से रन अप लेके आएगा तब किक मारेगा तो दूर जाएगा, रन अप लेके मारेगा ज्यादा दूर जाएगा, रन अप लेके कॉमन सेंस है ना। बस यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसी तरह का हेल्प करता है। तो होता क्या बेटा, CL और यहाँ पे लगा NO2 इस टाइप का, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारे यहाँ पे अटैक किया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट CL बाहर नहीं होता, जैसे अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चा, देखो तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन घुमाते हैं इसके पीछे, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक किया, ये वाले कार्बन पे, ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन पे, तो क्या मिलेगा बच्चा देखो तो, Cl इसके साथ क्या ऐड हो गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल माइनस हटा देंगे क्योंकि रिएक्शन हो गया न्यूक्लियोफाइल का। अब यहाँ पे क्या आया, N और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज दौड़ते हुए आएगा, नेगेटिव चार्ज रन अप लेते आएगा जो न्यूक्लियोफाइल पे था, अब यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ग्रुप एक कस के किक मारेगा और ये बाहर, क्या मिलेगा यहाँ पे, जहां पे पहले लिविंग ग्रुप था Cl लिविंग ग्रुप है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल और ये जैसे थे वैसे वापस, ठीक है ना बेटा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो दिखता हमको सिंपल सा बेटा, इसको हटा दिए सर इसको लगा दिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। समझ में आया बच्चा लोग, आया कि नहीं आया बच्चा। तो लिविंग ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल अटैकेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है, तो कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पोजिशन है ऑर्थो, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना बेटा। माइनस आर कहाँ लगा है बच्चा लोग, ऑन ऑर्थो, माइनस आर कहाँ है बेटा, ऑर्थो पे, क्या माइनस आर मेटा पे भी होगा तो भी यही इसी तरह से वर्क होगा क्या, पेरा पे होगा क्या, ये भी हमको देखना है। सीधा वाला नोट किया हो क्या बच्चा लोग, नोट किया कि नहीं किया हो,
हाँ ना कुछ तो बोलो सर, थोड़ा साइड हो जाए। अच्छा साइड हो जाए थोड़ा, जल्दी से छापो, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन का मेकानिज्म है। तो इसमें मेकानिज्म में आपको समझना क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, लिविंग ग्रुप के कार्बन पर, ठीक है। फिर पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, तो ऑर्थो में था तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हुआ, उसको पीछे जाने का मौका मिल गया, बाउंस बैक हुआ और मार के भगा दिया सीएल को, ठीक है ना, ऑर्थो में था। अब यही मैं माइनस आर को मेटा पे लगा के देखूं, पैरा पे लगा के देखूं, होता है कि नहीं होता। तो उसके बाद उन कंक्लूजन को याद रखना आपको, और उस कंक्लूजन को समझ लिए तो SNR का रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर कभी भी गलत नहीं करोगे। इस मैकेनिज्म से कंक्लूजन क्या याद रखना है बेटा, मैंने बहुत पहले बता दिया है, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो रिंग पे, वो इफेक्टिव कहाँ पे होता है, हमेशा कहाँ पे होता है बेटा, ऑर्थो और पैरा पे, कहाँ पे इफेक्टिव होता है, ऑर्थो और पैरा पे। मतलब माइनस आर ग्रुप कहाँ होना चाहिए, या तो ऑर्थो पे होना चाहिए या पैरा पे। मेटा पे होगा तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो उसको मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ, अब याद रखना बस। वही कंक्लूजन बताऊंगा मैकेनिज्म के बाद, और मैकेनिज्म मुझे मालूम है तुम्हें याद रखोगे नहीं, और याद रखना भी नहीं है। अरे यार ये पक्षी भी ना बहुत परेशान कर रहे, मैकेनिज्म याद रखना भी नहीं है, ठीक है ना बच्चा लोग, बस कंक्लूजन याद रखना है। तो माइनस आर ग्रुप कहाँ होना चाहिए, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, और ये वाला फॉलो करो। तो क्वेश्चन देखो कैसा पूछेगा, तो SNR का मतलब समझ गए, रिंग खुद में न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करेगा, नौटंकी बढ़ जाएगा रिंग का, तो उस नौटंकी को कम करने के लिए क्या रिंग में डाल दिया जाएगा बेटा, क्या लगा दिया जाएगा रिंग के साथ, एक बॉडी गार्ड भेज देंगे, तो बॉडी गार्ड नहीं बोलेंगे, एक वॉलंटियर को भेज देंगे, जो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो वॉलंटियर बोलेंगे देखता अब कैसे तू रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे तुम पढ़ाई नहीं करते तो मम्मी पापा को बता देती है, पापा जाके खड़े हो जाते कभी कभी, अब बेटा तू बता कैसे पढ़ाई नहीं करेगा, बाप हूँ तेरा, थोड़ा सा मस्ती के लगाए पीछे एक झापड़। तो वैसे बेंजीन के रिंग के पास वॉलंटियर किसको भेज दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अब बोलता है तू रिंग कैसे रिएक्शन नहीं करेगा, चल मैं देखता हूँ। लेकिन ठीक है ना बेटा, तो उसमें भी कंडीशन है, पापा पास में है तो तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो दूर में होंगे तो पढ़ाई कम करोगे। तो वैसे यहाँ पे रिंग में तीन लोकेशन है, तो वॉलंटियर को कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, ऑर्थो मेटा या पेरा, कहाँ पे होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो पे या फिर पेरा पे। मेटा में होगा तो उस मतलब पापा दूर बैठे रहेंगे तो डरता ही नहीं है बच्चा, पढ़ाई नहीं करेगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, मेटा पे हुआ तो कम इफेक्टिव होगा, ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। यस सर। तो रिंग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसमें हम लोग मिलाते हैं माइनस आर ग्रुप, तो उससे क्या कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बेटा, ऑर्डर ऑफ SNAR रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी ऑफ SNAR रिएक्शन, Cl ABC समझ लेना बेटा, ठीक है, Na2 CHO NH3+, सबसे अच्छा माइनस आर होता है बेटा NH3+। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड Cl Na2, कोई रिंग नहीं मतलब कोई ग्रुप नहीं, और एक बार प्लस आर ग्रुप OH Cl। थर्ड Cl
NO2 जरूरी नहीं है NO2 ही हो, अब बाब यूज कर लिया है तो दिमाग में बैठ गया कि NO2 माइनस R होता है, इसलिए उसी को रिपीट कर रहा हूँ बार बार में, ठीक है ना बच्चा लोग। तो बताओ आंसर क्या होगा फर्स्ट में, सब में न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा सीएल को बाहर करेगा, तो बताओ फर्स्ट में आंसर कौन सा होगा, सबसे बेस्ट माइनस आर कौन सा इन तीनों में? NH3+ NH3+ ये सब है माइनस आर, टेबल मतलब एक ऑर्डर बताया उससे पता चलेगा, तो आंसर कौन सा होगा सी। सी के बाद ए, ए के बाद बी, अब यहां बताओ आंसर, बीच में तो बेटा बी होगा, बी से ज्यादा किसका होगा, माइनस आर लगा है प्लस आर लगा है तो कम हो जाएगा रिएक्टिविटी ना के बराबर। यहां पर बताओ माइनस आर कितने बार है भाई, कितने बार है माइनस आर, थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन टाइम्स, तो ए बी सी, तो समझ में आया SNR का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझ में आया बच्चा लोग? बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो रिंग एरोमेटिक रिंग या बेंजीन नौटंकी करेंगे ऐसे ना रिएक्शन के समय, तो उसमें वॉलेंटियर कौन भेजना पड़ेगा जो उनसे वो काम करवाएंगे, माइनस आर ग्रुप, ठीक है ना बेटा। तो ये स्टोरी दिमाग में चलते रहना चाहिए, SNR है नौटंकी करेगा बेंजीन रिंग, उसके पास भेजना माइनस आर, जो जितना ज्यादा माइनस आ रहा है उतना जल्दी SNR करवाएगा, इस तरह से दिमाग में ये चीजें बाबा प्रोसेस में आते रहना चाहिए, तब जाके इनके क्वेश्चन होंगे सॉल्व। और एक लोकेशन से, एक लास्ट क्वेश्चन लोकेशन से रिलेटेड, CL NO2 बताओ किसमें फास्ट होगा, सबसे पहले माइनस आर दोनों सेम है, दोनों में अलग क्या बेटा, ये ऑर्थो और ये मेटा, ये भी माइनस आर है, कहां पे ऑर्थो, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा सी में, अब ए और बी में ये ऑर्थो का ये मेटा का है, तो ग्रुप कहां पे ज्यादा इफेक्टिव होता है बेटा, तो समझ में आया कैसे बनेगा आंसर, बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बस लॉजिक को याद रखना है, और वो लॉजिक को थ्योरी बता ही रहे, मतलब लॉजिक के लिए कुछ हिंट बता ही रहे, कैसे याद रखो को रीड करो, और जो कर लिया तो उसके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ऑर्डर पता होना चाहिए, माइनस आर प्लस आर प्लस आई माइनस आई, छाप लिए सब, इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, छापे कि नहीं छापे बच्चा लोग, छापो जल्दी, एक लास्ट है SEAR उसको भी कंप्लीट किया जाए, हो गया बच्चा लोग नोट डाउन, मेरे मिट्टी के माधव लोग किए कुछ सॉल्व, मतलब सॉल्व बोल रहा हूँ, नोट किए
अरे मिट्टी के माधव लोग, जैसे मिट्टी के भगवान होते हैं ना, बोलते नहीं हैं, वैसे तुम लोग भी बन गए हो। माटी के माधव। तो बताओ बच्चा लोग, छाप लिए कि छाप ही रहे हो? जिस तरह से छाप रहे तुम लोग, तो फ्यूचर में प्रिंटिंग प्रेस का फैक्ट्री भी नहीं डाल सकते, इतना कम स्पीड से तुम्हारा प्रिंटिंग वाला काम चल रहा है, छापने वाला काम। पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, छापा भी नहीं जा रहा है, डीपीपी सॉल्व नहीं हो रहा जा रहा है। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग घर में बैठकर? बाहर जाना नहीं है। कहाँ गए सब? 46 बस बच्चे हैं क्लास में भी, बाकी लोग सदमे में सो रहे हैं कहीं पे बिस्तर उस्तर लगाकर। इसमें सिर्फ 46 में दो चार लोग तो बिस्तर पे ही पड़े होंगे, बस वीडियो सुन रहे, कॉपी पेन कहीं बाजू में होगा। क्यों आयुष, सही बोल रहे हैं ना हम? नमस्कार। कौन ऐसा करता आयुष? पता नहीं सर। अच्छा बेटा कशिश, नींद उन तो नहीं आ रहा ना? बेटा कशिश सो तो नहीं गई ना क्लास में? ये आर्या नाम की बच्ची क्लास करती कि नहीं करती? आजकल इसका आवाज नहीं आता। बेटा आर्या सर, यस सर। जगी हो ना कि सो गई हो? आजकल तुम्हारा आवाज ही नहीं सुनाई देता। नहीं सर, जगी हूं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और कि नहीं सर आ रहा है। पढ़ाई करो, जितना जल्दी समझ में आता है उतना जल्दी दिमाग से गायब भी हो जाता है ये। छाप लिए सबको ही? बेटा रोज रिवाइज करना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ। जब तक नेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसको रोज रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और जितना अब बता, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर रोज रिवाइज करोगे तो। अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं बेटा, SEAR, ठीक है ना? जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है ना, सब्स्टिट्यूशन में ही है, और बोला जाए तो लॉजिक उतना ही सिंपल उसके पीछे। फुल फॉर्म बता सकते हो आप? E4 इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक। S4 सब्स्टिट्यूशन, कहां पर बेटा? ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यह है हमारा हेडिंग SEAR। तो बताओ बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है क्या? है कि नहीं? आज पता चल गया ना, भूल गया था फिर से बता दिए। बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड क्या है बच्चा? एंड एरोमेटिक कंपाउंड आर गुड न्यूक्लियोफाइल, है ना बेटा? तो इनका मतलब क्या हुआ बेटा? बेंजीन गुड न्यूक्लियोफाइल है तो मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, यस सर। देखो अच्छा बच्चा, बेंजीन अब यहाँ पे बन गया क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। Hence, it can react with any electrophile, मतलब A+, ठीक है ना? अब बेंजीन अच्छा तो है, इसको और अच्छा कौन बना सकता है? न्यूक्लियोफाइल तो है, और भी जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल कौन बना सकता है? काम अच्छा कर रहा है बेंजीन, ठीक है ना? जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करोगे तो वो और अच्छा काम कर देगा, डीमोटिवेट कर देंगे तो वो काम और बेकार करने लग जाएगा। तो बेंजीन है, बेंजीन के पास दो लोग घूमते हुए गए, ये दो लोग कौन है बेटा? एक हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तब बेंजीन इसके कांटेक्ट में आ जाएगा,
क्योंकि एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल आयुष टाइप का लड़का है, ठीक है ना। अब आयुष के पास आर्यन चल गया, अपने बातों में उसको उलझा के रख लिया, अब आयुष पढ़ाई करेगा क्या फिर बताओ। आर्यन तो बात कर कर कहीं दिन महीने साल बिता देगा उसके साथ, तो आयुष पढ़ाई कर पाएगा क्या, बेकार हो जाएगा ना। तो वैसे ही है, तो बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर देगा, किसका ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। बट अब उसके पास कोई अच्छा ग्रुप चल गया, आई उसके पास कोई अच्छा पढ़ने वाला चल गया, कौन है बेटा पढ़ने वाला क्लास में, नहीं रुसब चल गया, ठीक है ना बेटा, मानकापुर से, और इंदौरा का तो बोलेगा नहीं, इंदौरा वाले सभी बच्चे बस बात ही करते रहते हैं और कुछ लोग सदमे ही नहीं रहते हैं। हाँ तो कोई पढ़ने वाला बच्चा चल गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब क्या होगा बेटा, उस रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग, बेटा ऐसा बस मजाक कर रहे थे ना, ऐसा नहीं कि इंदौर वाले पढ़ते नहीं, मस्त पढ़ते हैं बेटा, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, दिल पे कोई नहीं लेगा। हमारे टॉपर है भाई इंदौर, इंदौर वाले ब्रांच से। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग डिक्रीजेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ में आया बच्चा लो, याद रहेगा इतना कि नहीं रहेगा बेटा, एकदम डिटेल में नहीं, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जल्दी रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल से, और जो कि बेंजीन है, लेकिन बेंजीन के पास दो संगत वाले लोग, एक बुरी संगत वाले मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक अच्छे संगत वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेंजीन के रेस्पेक्ट में, तो ये बेंजीन के पास आते हैं, बेंजीन को परेशान कर देते हैं, वो अपना काम करना भूल जाता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचकर। तो ये कौन से ग्रुप होते हैं बेटा, माइनस आर और माइनस एम, ये कौन से होते हैं प्लस आर और प्लस एम, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो रिंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कैसे करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भूल भी सकते हो, नहीं यार भूलना मत, ये वाला मैकेनिज्म का रिएक्शन, नाइट्रेशन का मैकेनिज्म पूछता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के हर कार्बन के पास एच रहता है, ठीक है ना, स्कूल में मतलब बचपन में तुमको रिएक्शन कैसे सिखाया जाता था बेटा, Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, चलो CH3 Cl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, AlCl3, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा बता सकते हो, मैंने बताया है बेंजीन एल्काइल हैलाइड AlCl3, एक नेम रिएक्शन है, ब्रैकेट में दबा के मतलब बंद करके रखा था इसको रेजोनेंस वाले चैप्टर में, कौन सा रिएक्शन है बेटा, बताओ जल्दी, रहने तो हम ही बता देते हैं, एफसी, ठीक है ना, के एफसी नहीं, एफसी प्रेडलक्राइट एल्काइलेशन, कुछ याद आया, सर आया थोड़ा बहुत कुछ। हाँ तो यहाँ का बेंजीन, यहाँ का सीएल, HCl बना के बाहर, यहाँ का CS बेंजीन और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे सिखाते थे ना बेटा रिएक्शन स्कूलों में, मतलब बचपन में ऐसा हो जाता है रिएक्शन, याद रख लेना, याद रखना है ऐसा ही होता है करके, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसको भी याद रखना है। तो ये फ्रेडरक्राफ एल्काइलेशन का मैकेनिज्म पूछ सकता है तो हमें, हाँ बेटा, तो देखो मैकेनिज्म, तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, एस ई ए आर, समझ में आ रहा है कौन सा मैकेनिज्म है, एस ई ए आर। तो पहले स्टेप में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, किसका फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखो कैसे बनेगा बेटा, सी एस थ्री सी एल एल सी एल थ्री,
तो बनेगा यहाँ पे CH3 प्लस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, क्या मिलेगा AlCl4। बेटा ये स्टेप याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे AlCl3 क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं बेटा, लेविस एसिड है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बेटा, एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 3 क्लोरीन आया तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब लेविस एसिड है, और ये Cl जब इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा तो बनाएगा Cl- जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो ये लेविस एसिड है, इसलिए यहाँ पे AlCl3 रहते हैं ताकि Cl से इलेक्ट्रॉन ले सके। तो Cl पहले किसके साथ घूम रहा था, CH3 के साथ, अब उसके साथ क्या कर बोलेंगे भाई, क्या बोलते हैं यार, इसके लिए क्या टर्म यूज करूं, Cl पहले किसके साथ मस्त खुश था, CH3 के साथ, अब दगाबाज हो गया Cl, ठीक है ना, उसको कोई और पसंद आ गया, कौन, AlCl3, क्योंकि वो लेविस एसिड है, इसके इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या बना बेटा, कार्बोकेटायन, तो बताया था ना इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन बनता है। अब यहाँ पे अटैक होगा, जंग छिड़ेगा, मतलब अटैक नहीं होगा, रिलेशन बनेगा रिंग का इसके साथ। तो देखो बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो होता कैसे बेटा, न्यूक्लियोफाइल होने के लिए नेगेटिव चार्ज बनना जरूरी है बेटा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है CH3। तो रिंग अपने आप को इसके काबिल बनाएगा कार्बोकेटायन से रिएक्ट करने के लिए। तो काबिल बनाने के लिए क्या करेगा बेटा, ऋतिक रोशन का मूवी देखेगा काबिल, यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, इसको शिफ्ट कराएगा इस कार्बन के ऊपर, तो क्या मिलेगा बच्चा बताओ जल्दी से, नहीं बता पा रहे तो देखो फिर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बना था, अब CH3 बन चुका है न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक किया और क्या मिला यहाँ पे बेटा देखो तो CH3। अब इतना करने के बाद रिंग को एहसास हुआ, बेंजीन रिंग को, अरे यार मजाक मजाक में मेरा तो एरोमेटिसिटी गायब हो गया, ये एरोमेटिक है क्या, ये एरोमेटिक रहा, देखो ना बेटा sp3 कार्बन हो गया ना, ये हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बेंजीन रिंग रिएक्शन करने के बाद अपना एरोमेटिसिटी पहले जैसा रख पाया क्या, तो देखो रिएक्शन करने में तो खुश तो था जैसे, लेकिन CH3 के पास गया तो उसका एहसास आ रहा है यार मेरा तो एरोमेटिसिटी गायब हो गया, मतलब इसकी दुनिया ही छिन गई, जिसके कारण इसको अपने ऊपर घमंड था, नाश था बेटा, वो अब रहा क्या, नहीं रहा। तो अपने आप को फिर से एरोमेटिसिटी लाने के लिए क्या करेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक लौता एटम जिसका कोई भी कभी भी यूज कर सकता है, तो ये रिंग क्या करता है, इस हाइड्रोजन को लात मार के बाहर कर देगा H+, और इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो रिंग फिर से क्या बन जाता है, एरोमेटिक और CH3। तो देखो ये एच घूम के इसके पास जाएगा, जहां से AlCl4 - H+ आपस में रिएक्ट करके HCl और साथ में AlCl3 वापस। देखने में बड़ा सिंपल लगता है, यहाँ से ये मिले वापस रिएक्शन हो गया, इतना सारा तामझाम होता है बेटा रिएक्शन के बीच, ठीक है। ये मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन भी पूछता है, सल्फोनेशन में भी पूछता है, तो याद रखना, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी क्या याद रखना है बेटा, SEAR का क्वेश्चन आएगा, तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन बढ़ाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसको याद रखने के लिए 5-6 महीने आपके पास जब तक एग्जाम ना हो जाए इसका। तो क्लियर है सभी को, तो रिंग पहले खुद को न्यूक्लियोफाइल बनाया, मतलब उसके काबिल किया बेटा, अब न्यूक्लियोफाइल बना लिया तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर लिया, उसको एहसास हुआ हम तो एरोमेटिसिटी गवा बैठे हैं रिएक्शन करने के चक्कर में, तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर, ऐसे कर लो H+, हाइड्रोजन बाहर हो गया, समझ में आया बच्चा लोग,
तो ये था रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SER, दिखने में कितना सिंपल। तो इस रिएक्शन का कंक्लूजन क्या है बेटा? रिंग, क्या कंक्लूजन है बताओ जल्दी, क्या समझ में आया रिएक्शन को देखकर? अगर यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप होता तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, अगर डोनेटिंग ग्रुप होता बेटा ये नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है डेंसिटी है प्लस आर, बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता बच्चा लोग? बढ़ाता ना, प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? तो उसका कंक्लूजन मैंने सेकंड पॉइंट में ही नोट करवा दिया है। रिंग अपने आप को न्यूक्लियोफाइल इस तरह से बनाता है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देगा, यही कंक्लूजन था बेटा। अब ग्रुप कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होता है बेटा? ऑर्थो और पैरा। क्लियर है सभी को? छाप लो जल्दी से। और रिंग में इसमें एक और चीज नोट करने लायक है, इफ प्लस आर ग्रुप और प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा बेटा? उस दिन बताया था, यहां भी बता रहा हूं, ये टॉपिक एक्चुअल में यही का है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन ऑर्थो एंड पैरा। यही काम अगर इफ माइनस आर और माइनस एम ग्रुप है तब मिटा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन मेटा। तो इस चीज को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्जुगेशन सिर्फ ऑर्थो में होता है और पैरा लोकेशन पे होता है। तो न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो कार्बन बनेगा या पैरा बनेगा, तो छाप लो। तो दो चीजें याद रखना है, ये कहाँ पे ऐड होगा और कौन बढ़ाएगा और क्यों ऐसा हुआ, पहला पॉइंट, क्योंकि रिंग खुद ही में न्यूक्लियोफाइल है। तो याद रहेगा बच्चा लोग इतना तामझाम? स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी क्लास नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है ना? तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास का टाइम भी होने वाला है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बेटा।